हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे मैंने वार्डरोब को फिश टैंक स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया। ये जो फर्नीचर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड था, नीचे वाला टेबल की तरह और ऊपर वाला वॉल माउंटेड कैबिनेट। बीच में मैं फिश टैंक रखने वाला हूँ। फिश टैंक जब इसके अंदर बैठेगा तो उसको ऊपर से एक्सेस करना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने इन तीन कैबिनेट डोर्स का यूज़ करने वाला हूँ। मैं वाटर चेंज फिश टैंक को खाना यहाँ से डालूंगा और लाइट फिटिंग भी यहीं पे फिट होगी। नीचे का जो टेबल है उसमें भी तीन कंपार्टमेंट्स हैं। इसमें से जो छोटा कंपार्टमेंट है उसमें मैं सम फिल्टर रखने वाला हूँ, और फिश सप्लाईज जो रहते हैं जैसे फूड, मेडिसिन, फिश नेट्स और इक्विपमेंट्स, वो रखूँगा। ऊपर से एक्सेस के लिए नीचे वाला प्लाई मैं सर्कुलर सॉ से कट करने वाला हूँ। सर्कुलर सॉ का एक्सपीरियंस है तो ही यूज़ करें, या क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस टूल है। अगर आपको करना है तो आप कारपेंटर को भी बुला सकते हैं। जब फिश टैंक रेडी हो जाएगा तो उसका वेट कम से कम 250 टू 300 केजीज के आसपास होगा, तो इतना वेट ये स्टैंड में भी संभाल नहीं सकता। तो इसके लिए हमें इसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये 3x3 इंच के वुडन लॉक्स यूज़ किए हैं। इनको मेन स्टैंड के बीच में मैं लगाऊंगा। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए ही है, इसको मैं स्टैंड से अटैच नहीं करने वाला, बट टाइटली फिट कर दूंगा। लॉक्स की हाइट ये स्टैंड के अंदर की हाइट से कुछ mm कम है। योगा मैट जो मैंने पिछले वीडियो में इसको यूज़ किया था उसका एक पीस लूंगा और उसके हेल्प से इसको मैं स्नगली फिट कर दूंगा ये स्टैंड के नीचे। नीचे कॉर्नर में भी थोड़ी जगह थी तो यहाँ पे मैं ये वुड के ब्लॉक्स लगा दिए। तो ऐसे मैंने एक वार्डरोब को एक बढ़िया फिश टैंक स्टैंड बना दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द इंडियन फिश कीपर चैनल को। हैप्पी फिश कीपिंग।